हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। आज मैंने देखा फ्रिज में बहुत सी मलाई इकट्ठी हो चुकी थी, तो मेरे पास टाइम भी इतना नहीं था, तो मैंने बिना मक्खन निकाले ही आज डायरेक्ट ही मलाई निकालने लगी, सॉरी मलाई से घी निकालने लगी। तो उसका मैंने सोचा साथ में आपके लिए वीडियो भी बना लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, जो मैंने मलाई इकट्ठी कर रखी थी एक बड़ी सी कढ़ाई में डालकर रख दी, और साथ के साथ अपना किचन का दूसरा काम कर रही हूँ। देखो, मैंने सारी मलाई एक बड़ी कढ़ाई में डाल दी है और कच्ची से इसको साथ के साथ हिला रही हूँ और साथ के साथ अपना किचन का दूसरा काम कर रही हूँ। आपने सारी मलाई इसमें डालकर अच्छे से इसको हिलाते रहना है। गैस को मीडियम आंच में ही रखना है। अगर हम तेज आंच में रखेंगे तो इसको कंटिन्यूसली हिलाना है, अगर आप धीमी आंच पे रख रहे हो तो थोड़ा बहुत दूसरा काम भी कर सकते हो। देखो, मैं इसको साथ के साथ बीच बीच में हिला रही हूँ, इसका भी साथ के साथ ध्यान रख रही हूँ, नहीं तो ये सारी नीचे लग जाएगी और जल जाएगी। देखो, इसको कंटिन्यूसली ऐसे हिलाते रहो, इसको काफ़ी टाइम लगेगा। मेरे को आधा घंटा कम से कम लग गया था मलाई से घी बनाने में। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है गाइस, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना भी ज़रूरी था और मैं वीडियो साथ के साथ बना रही हूँ। बीच में थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम आती है। तो चलो आगे देखो, मैं इसे कंटिन्यूसली खिला रही हूँ, मेरी मलाई काफ़ी कम हो चुकी है। और इसको अच्छे से सभी तरफ से हिलाना है, नीचे से अच्छे से हिलाना ताकि ये नीचे ना लग जाए। इसको आप साथ के साथ हिलाते रहिए। ये देखिए, मेरी मलाई कम होने शुरू हो गई है, इसको नीचे नहीं लगने देना आपने, बिल्कुल ऐसे कंटिन्यूसली हिलाते रहो, ये गाढ़ी होती जाएगी। अभी भी ये काफ़ी टाइम लेगी बनने में, अभी आप इसे हिलाते जाइए। गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे आप वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, काफ़ी कम हो चुकी है और मेरी मलाई गाढ़ी हो चुकी है। ये इस टाइम खोया तैयार हो चुका है। अगर आप कोई खोए वाली रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ये मेरा खोया रेडी हो गया है। तो चलो, हम तो बना रहे हैं घी, तो अब हम इसमें से घी निकाल रहे हैं। इसको अभी आपने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, इसको साथ के साथ हिलाते रहना है। ये मेरा घी निकलना शुरू हो गया है, ये देखिए थोड़ा हल्का हल्का घी निकलना शुरू हो गया है। हम इसे अभी अच्छे से हिलाते रहेंगे। देखिए, इसको मैं कंटिन्यूसली, मेरा वीडियो काफ़ी मैंने तेज कर रखा है, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यूसली बनाती रहती तो काफ़ी लंबा चला जाता। मैं इसको अच्छे से सभी तरफ से हिला रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे। और मेरा घी कितना सुंदर कलर आया है देखो ये, और मेरा घी बन चुका है, बन रहा है अभी, और घी निकलेगा जब तक ये सारा जो वाइट पार्ट्स है ये ब्राउन कलर में ना हो जाए। अभी मैं इसको कंटिन्यूसली हिला रही हूँ, आप भी ऐसे ही इसे हिलाते रहिए। ये देखिए, इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहिए। गैस आप तेज कर लीजिए अगर आपके पास टाइम कम है मेरे जैसे तो। ये देखिए, मेरा घी निकल रहा है, काफ़ी घी निकल चुका है, लेकिन अभी और भी हम इसे गर्म करेंगे। ये देखिए, मेरा घी निकल चुका है, इतनी मलाई से मैंने इतना घी निकाला है। ये देखो, ये मेरा जो मलाई के नीचे बच गई खुरचन, ये ब्राउन हो चुकी है, और इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसी के आपके सामने हम अभी लड्डू बनाएंगे जो बहुत टेस्ट बनते हैं। मैं जो, ये देखो मैंने घी बना लिया, कितना सुंदर येलो कलर आया है, इसे मैं अभी एक डिब्बे में डाल लूँगी। सारा जो घी है मैं छानकर एक डिब्बे में डाल रही हूँ। ये मेरा घी रेडी हो गया। मैं जो घी की खुरचन बच जाती है उससे बहुत अलग अलग रेसिपीज़ बनाती हूँ। मैंने पहले इसके गुलाब जामुन आपके साथ शेयर किए थे, आज मैं इसके लड्डू बनाऊंगी, फिर मैं नेक्स्ट कोई और रेसिपी। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया इस खुरचन से बनाती रहती हूँ। सारी जो खुरचन थी घी की, उसको मैंने अच्छे से उसमें से घी निकाल लिया। ये देखो, मेरा डिब्बा भर के घी निकल आया है, कितना सुंदर येलो कलर आया है इसका, ये बहुत दानेदार घी बनेगा। ये देखो, अच्छे से मैंने उसमें से सारा घी निकाल लिया। घी को हम कर देंगे अभी अलग। ये देखिए, घी कितना अच्छा बना है। अगर आप इसको ज़्यादा बना लेंगे तो हमारा घी जल जाएगा। ये मेरी खुरचन, अभी हम इससे आपको
आटे के लड्डू बनाना बताएंगे, जो बहुत ही यम्मी और टेस्ट बनते हैं। प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसी कढ़ाई को मैंने फिर रख लिया है, जितनी मैंने खुरचन ली है उतना ही मैंने आटा ले लिया। ये गेहूं का आटा है, इसको हम ले लेंगे और अच्छे से इसको हमने, इस पर मैंने घी नहीं डाला क्योंकि हम घी का इस्तेमाल बाद में करेंगे। इसको हम ऐसे ही अच्छे से हम इसको भून लेंगे। ये देखो आटे को मैं कंटिन्यूसली हिलाते जा रही हूँ, आपने ऐसे ही हिला हिला के जब इसका कलर चेंज हो जाएगा और बहुत बहुत अच्छी खुशबू किचन में आनी शुरू हो जाएगी तो समझ लेना आपका आटा भुन चुका है। इसको आप हिलाते जाइए, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। सभी तरफ से अच्छे से हिलाइए। ये देखिए मैं अच्छे से सभी तरफ से इसको हिला रही हूँ, कलर इसका ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है, मेरा आटा अभी भुन ही चुका है। इसको अभी मैं एक परात में निकाल लूँगी। ये देखिए जो मेरा आटा भुन गया, इसको मैंने एक परात में निकाल लिया है। अब इसमें जो खुरचन थी वो भी इसमें मिक्स कर लूँगी मैं। जितने मैंने खुरचन ली उतना ही मैंने आटा लिया और उतनी ही मैं पीसी हुई चीनी लूँगी। आप इसमें कुछ भी शक्कर भी डाल सकते हैं, कुछ भी जो आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा चाहिए। मैंने क्या किया, इस चीनी में ही जब इस चीनी को ग्राइंड किया तो इसमें मैंने 4-5 इलायची डाल ली फ्लेवर के लिए। तो आप इसको बाद में भी इसमें इलायची डाल सकते हैं, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, इसमें आप नारियल का बुरादा डाल सकते हैं, आप कुछ भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ इलायची ही डाली है और इसका ही फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आया था। ये देखिए सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑलमोस्ट मैंने इसमें से सारा घी निकाल लिया था तो इसमें अभी मुझे घी कम लग रहा है। अब जैसे जैसे ये मेरा मटेरियल तो रेडी हो गया, ये मैंने अभी उसमें गर्म गर्म घी डाल लिया। अभी मैंने इसके लड्डू बनाने हैं, उतना घी डाल लेना जिससे मेरे ये लड्डू बन जाए। मैंने इसको अच्छे से हल्के हाथों से मल लिया है, ये देखिए। लेकिन मुझे अभी भी कम लग रहा है घी, मेरे लड्डू नहीं बन रहे अच्छे से, तो मैं थोड़ा सा घी और, ये देखो मैंने ट्राई किया है पर अभी ये नहीं बन रहे, मुझे थोड़ा सा घी और डालना पड़ेगा। थोड़ा सा घी मैं और डालूँगी। आपने इसमें पानी दूध कुछ नहीं डालना, आपने सिर्फ घी से ही इसको अच्छे से मलकर और इसके लड्डू बना लेने हैं। देखो मैंने आपकी घर की मलाई से ही बहुत अच्छे लड्डू भी बना लेने हैं और खूब सारा घी भी बना लेना है, हम कुछ भी बेकार नहीं जाने देंगे। और ये खाने में लड्डू आप कोई गैस नहीं कर सकता हमने ये लड्डू कैसे बनाए हैं। ये देखिए बहुत अच्छा हो गया, मैं इसके बहुत अच्छे लड्डू बन जाएंगे। ये देखिए हमने लड्डू बना लिया। ये मेरा एक लड्डू रेडी हो गया है, ऐसे ही हम दूसरा लड्डू भी रेडी कर लेंगे। ये मेरा दूसरा भी लड्डू रेडी हो गया, ऐसे ही हमने सभी लड्डू रेडी कर लेने हैं। ये देखो मेरा दूसरा लड्डू रेडी, अब हम नेक्स्ट बनाएंगे। सभी लड्डू ऐसे ही मैंने बना लिए हैं। ये मेरे जो घी की खुरचन थी और आटा, उससे मैंने ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी लड्डू बनाए और मैं हर बार बनाती हूँ, सभी बहुत खुश होकर खाते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं गाइस। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।